हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, हॉस्पिटल के पीछे आ रखे हैं, तो सरप्राइज है ना, सरप्राइज। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 4:30 हो रही है और मैं हो रही हूँ तैयार, तो मैं जा रही हूँ खूबसूरत सफर की ओर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी सुबह के 4:30 हो रही है, तो बाहर देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आज ना मौसम ना बारिश थोड़ा हल्की हल्की हो रही है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह, पर अभी हल्की हल्की हो रही है। मुझे जाना है सुबह 5 बजे वाली बस में, जो इधर से सीधे हरिद्वार के लिए जाती है, तो उसी में मुझे जाना है। और यहाँ से मैं तो अकेली जा रही हूँ, तो रास्ते में तिलवाड़ा से मेरे साथ आ रही है आरती दीदी। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय अपने लिए, और चाय पीने के बाद 5 बजे यहाँ पे बस आ जाएगी, तो मैं सीधे बस में चली जाऊँ। अभी मैं घर से बस में बैठ चुकी हूँ और अब तिलवाड़ा से आरती दीदी भी आएगी मेरे साथ, तो अब मैं आपको सीधे तिलवाड़ा में जाती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला तो हो गया है, पर कोहरे की वजह से अंधेरा अंधेरा लग रहा है। वैसे तो 5 बजे आजकल काफ़ी उजाला हो जाता है, और हल्की हल्की बारिश भी लगी रही है। कार में और बस में मैं यहीं तक आई हूँ, यहाँ से मैं आरती दीदी के साथ जाऊँगी। आरती दीदी का ससुराल है तिलवाड़ा के पाली गांव में, तो यहाँ पे मैं आरती दीदी का वेट कर रही हूँ, और हल्की हल्की बारिश तो लगातार लगी रही है। अब यहाँ की तिलवाड़ा मार्केट का माहौल कुछ इस तरह से है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे जब आरती दीदी आएगी, तो यहाँ से हम दोनों जाएंगे साथ में आगे के सफ़र में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मॉर्निंग सुप्रभात। तो दोस्तों अभी यहाँ पे काफी इंतजार करने के बाद आ चुकी हैं दीदी, और अभी हम बैठ गए हैं होटल में, तो थोड़ा चाय पी रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे के सफर के लिए, और अभी कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैंने बताया नहीं। जब हम पहुँचेंगे ना तभी बताएंगे, हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। खुशखबरी है आप लोगों है सब लोगों के लिए, बहुत जल्दी। तो अब पीते हैं थोड़ा चाय, फिर यहाँ से बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं। जब चलेंगे तो फिर वहीं पे मिलेंगे देंगे। बस, और आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बाद में बताऊंगी जब आ जाऊंगी। सरप्राइज है ना, सरप्राइज। तो दोस्तों 10 बजे का टाइम हो चुका है, और हमने इस खूबसूरत सफ़र को तय कर लिया है। हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, तो यहीं तक का हमारा लास्ट सफ़र है। तो चलिए बताई देते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वहीं पे बताएंगे यार, रास्ते में नहीं बताना है, वहीं पे जाके बताएंगे। तो दीदी बोल रही है कि वहीं पे जाके बताएंगे वे श्रीनगर, हम श्रीकोट में आ रखे हैं श्रीनगर। कान खड़े करके रखो, कान ऐसे खड़े करो कि हम अच्छी गुड बड़ा वाला सरप्राइज है, बहुत बड़ा वाला। तो सीधे आपको वहीं पे जाके बोलेंगे यार, दीदी बोल रही है कि वहीं पे जाइए, वहीं पे जाके बोलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं श्रीकोट गेट हॉस्पिटल के पीछे आ रखे हैं, तो हॉस्पिटल में नहीं आ रखे हैं, हॉस्पिटल में नहीं आ रखे, हॉस्पिटल में नहीं है, सरप्राइज देने के लिए आ रखे बस। हाँ, तो चलिए आप सीधे वहीं पे जाके मुलाकात करेंगे आप। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। बोलो, आप बोलो। BGM स्टूडियो में श्रीकोट में। हाँ, हम अपना मैं अपना गाना रिकॉर्ड करने आई हूँ, और स्टूडियो का नाम है श्रीकोट में श्रीनगर BGM स्टूडियो। तो और अपना यहाँ तक जितने गाने मैंने गाए हैं उनमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है, और इस गाने में भी अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखना।
और दीदी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही। यहाँ आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। और दीदी आज मेरे साथ आ रखी है यहाँ मेरे साथ गाना रिकॉर्ड करना स्टूडियो में सिर्फ मेरे लिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं यार, अपने बहन के लिए। तो मैंने सरप्राइज रखा था आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं कि मैं स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा अचानक ही आप लोगों को शो कर देती हूँ। यहाँ पे है स्टूडियो, तो चलिए अंदर चलते हैं, हम दिखाते हैं। BGM स्टूडियो पहुँच चुके हैं स्टूडियो में। ये है ना म्यूजिक डायरेक्टर जो यहाँ दिखाएं। हाँ, तो दगड़ियों इस वाले स्टूडियो में आज फर्स्ट बार गाना रिकॉर्ड करने आ रखी हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अच्छे से गाना रिकॉर्ड हो जाए बस। थकान लग गई बहुत ज़्यादा और बहुत गर्मी भी लग रही है भाई। करेंगे यहाँ पे अपना गाना रिकॉर्ड, तो अच्छे से हो जाए बस। बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का आशीर्वाद भी बना रहे, जैसे कि आप देते ही हो अपना आशीर्वाद वैसे ही बनाए रखे। इतने गानों में आपने मेरा बहुत सारा सपोर्ट दिया है, अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छी अच्छी विशेज आप लोगों ने करे हैं, तो आने वाले इस गाने के लिए भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देना, अपनी विशेज देना कि ताकि गाना अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और जल्दी ही आप लोगों के बीच में वीडियो सॉन्ग आएगा बहुत ही जल्दी, मस्त है अपने पहाड़ों के लिए, अपने देवभूमि उत्तराखंड पे आधारित है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो सभी लोग सुनना और लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और भूले आसमा को अपना आशीर्वाद जरूर देना, जैसे भी इतना ज्यादा आप लोग देते हैं। इतना ज्यादा आशीर्वाद देना कि जल्दी बहुत अच्छा हो मेरा गाना रिकॉर्ड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों अभी अंदर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और ये हैं भाई जी जो कि यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हेलो भैया, हाय तो करो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? और भैया आपका नाम? मेरा नाम नितेश जमलोकी और अभी आपका स्वागत है BGM स्टूडियो में जो कि श्रीकोट में है। तो स्वागत है आपका और आज इनकी रिकॉर्डिंग है, देखते हैं। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे भाई लोगों के स्टूडियो में, तो उम्मीद करती हूँ भाई लोगों से भी कि मेरा गाना अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम गाना रिकॉर्ड करते हैं फिर उसके बाद। तो अभी ना भूले का गाना रिकॉर्डिंग हो गया है और अब हम दोनों बहनें दे रहे हैं भूले के गाने में कोरस। तो दीदी भी दे रही है मेरे गाने में मेरा साथ कोरस गाने में, तो जरूर कैसा लग रहा है गाना गाने में? आजकल बहुत अच्छा, टाइम के बाद गाया है ना आपने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी भूली के साथ गा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आप लोग अपना प्यार ना ढेर सारा देना, ठीक है? आशीर्वाद जू भोर के देना। और आप लोगों के मन में उथल पुथल हो रहा होगा कि कब आएगा गाना और कैसा गाना होगा, तो बहुत जल्दी आएगा, जल्दी, वो भी वीडियो। दोस्तों अभी गाना रिकॉर्ड हो चुका है और हमारा गाना अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है। तो दीदी और यहाँ पे ना जो BGM स्टूडियो में हमारे नितेश भाई हैं और म्यूजिक डायरेक्टर ये लोग आशीष भाई हैं। हाय भैया, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप लोग भी आओ, हमारे नजदीक में है, श्रीकोट में है जरूर, तो एक बार सेवा का मौका जरूर देना। और भाई लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और इन्हें बहुत अच्छा व्यवहार है। व्यवहार सबसे अच्छी बात है, व्यवहार होना चाहिए इंसान का। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है भाई साहब, चलते हैं, विदा लेते हैं, आपसे भी मिलते हैं। तो चलिए भैया अभी चलते हैं और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे दोबारा। स्वागत है आपका, जब भी आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। ठीक है भाई, आएंगे जरूर। तो अभी तो चल रहे हैं, बाकी आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है। सुबह तो बारिश लग रही थी पर अभी तो अच्छा मौसम है, धूप अच्छी लगी है और मौसम भी खुश हो गया। आज हम कहाँ जाएंगे? ओके बाय। ऐसा नहीं बताएंगे कहाँ जाएंगे, अब हम आपको सीधे एक जगह लेके जाएंगे आज की वीडियो में। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे, खूबसूरत सी जगह। अभी भूख से ना पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है मेरे, मेरे पेट में भूख से गुड़गुड़ गुड़ हो रही है, गुड़गुड़ तो होती है। चलो तो चलो अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं फिर। आप
सेकेंड में पहुँचे, बस भी लगी हुई थी, हमको इंतजार नहीं करना पड़ा है, बाकी बस तो फुल हो रखी है, सीट नहीं है, मैं तो खड़े खड़े जा रही हूँ और कभी कभी खड़े खड़े जाने में भी बहुत आनंद आता है। दीदी को तो सीट थोड़ी सी मिली है, थोड़ा सा मिल गई, बाकी मेरे पीछे देख सकते हैं कि फुल सीट हो रखी है, मैं तो जा रही हूँ खड़े खड़े। और ये जाएगी, ये बस सीधे गौरीकुंड, गौरीकुंड ना भैया जी, पर गौरीकुंड जाना है तो हमने जाना है इसमें तिलवाड़ा तक, तो तिलवाड़ा तक हम खड़े खड़े कैसे जाएंगे भैया? उधर प्रयाग में खाली होगी, हवा चल रही है, मस्त मस्त नहीं होगी नहीं, खड़े खड़े जाना होगा यार, रास्ते में अगर कोई उतर जाएंगे तो सीट भी मिलेगी, वरना तिलवाड़ा मार्केट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे उतर गए हम बस से, और फिलहाल तो हम खा रहे हैं मोमोज, जूस पी रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ताई जी भी मोमो खा रहे हैं, एनम है वो, एनम। अच्छा, और अब मैं आज जा रही हूँ दीदी के ससुराल, अभी तो मैं दीदी के ससुराल जा रही हूँ, पर इस वाली वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो रही, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। जाने वाला जो दीदी के ससुराल जा रही हूँ वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको, आज ही के दिन मैं दो ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि एक ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, और जल्दी ही आप लोगों के सामने जो आज गाना रिकॉर्ड किया है वो बहुत जल्दी आएगा, तो बाय बाय, दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। दीदी के ससुराल में बहुत मजे करेंगे, बहुत ज़्यादा।